हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपके जो यूट्यूब की जो जर्नी है उसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या चाहिए होता है। आपका फर्स्ट आपको सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। आपका मोनेटाइज हो जाए चैनल, आप उससे अर्न करें पैसे, ठीक है। दोस्तों, इन्हीं बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको पेड सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पेड सब्सक्राइबर्स भी मिलता है, क्या आपको ये बात पता थी? अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट से पेड सब्सक्राइबर्स को बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो एक मिनट में आप अपने सब्सक्राइबर्स को 0 से लेकर 1,000 तक कर सकते हैं, 0 से लेकर 10,000 तक कर सकते हैं, 0 से लेकर 1,00,000 तक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों, पेड सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको चलिए समझाता हूँ। पेड सब्सक्राइबर्स वह सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा, मतलब अगर मान के चलिए आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है, अगर आप उनके प्लेटफॉर्म से जाके 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं तो वहां पर वो क्या करेंगे कि 10,000 जो सब्सक्राइबर्स जो आपको देंगे वो एक्चुअली जेन्युइन सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। दोस्तों, मान के चलिए उसमें से 99% आपको वहां पर सिर्फ बॉट सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, यह रियलिटी है, वहां पर 99% जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो बॉट सब्सक्राइबर्स होंगे। अब बॉट सब्सक्राइबर्स क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, यह एक प्रोग्राम ऑलरेडी किया गया होता है, ठीक है, कि वो आपके चैनल क्या क्या सब्सक्राइब करेगा, एक आध दो वीडियो ऑटोमेटिक से वॉच कर लेगा, मतलब ऐसा कुछ उनका प्रोग्रामिंग होता है। तो यही रियलिटी है, क्योंकि बॉट सब्सक्राइबर्स जस्ट आपको सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को, दैट इज आपका सिर्फ नंबर काउंट दिख जाएगा वहां पर कि हाँ, एक बंदे ने आपको सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, ये रही कि आप अगर सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं तो सब्सक्राइबर्स तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स क्या है कि जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते नहीं है। कोई ऐसा है नहीं है कि कोई पर्सन आपको सब्सक्राइब कर रहा है, कोई लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो जस्ट क्या है कि बॉट होते हैं, बॉट सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी पेड सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बाय करना चाहिए, इसका क्या रीजन है, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डीपली जा रहा हूँ बताने। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मान के चलिए आपके पास 10 सब्सक्राइबर्स है, अब दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि 10 सब्सक्राइबर्स जो आपको मिले थे, क्या आपने उसको बाय किया था? नहीं किया था ना। आपने कहा था कि दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बोला होगा ना आपने। लेकिन दोस्तों, अब जो अगला बंदा देखा होगा कि आपका वीडियो यूजफुल लगा हो, उसको उसको अच्छा लगा हो, उसको इंटरटेन किया हो, उसको काम की चीज लगी हो आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियोज के माध्यम से, तो वो क्या किया होगा, वो सब्सक्राइब किया होगा। वो सब्सक्राइब क्यों किया होगा कि आप अगला वीडियो बनाए तो उसको आपको वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए, ताकि आपका वो दूसरा वीडियो देख सके, इसीलिए सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। अब बॉट क्या करेंगे कि जब बॉट सब्सक्राइब करेंगे तो यार वो थोड़ी ना आपके वीडियो जाएंगे देखने, कंप्यूटर थोड़ी जाएगा ऑटोमेटिक आपका वीडियो देखने, वो तो जस्ट सब्सक्राइब करके आपका नंबर जो काउंट बढ़ा देगा, ठीक है। तो यही है दोस्तों, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स में और पेड सब्सक्राइबर में इतना ही फर्क है कि पेड सब्सक्राइबर्स आपके कभी भी वीडियोज को नहीं देखेंगे, वो जस्ट आपके सब्सक्राइब करके चले जाएंगे, दैट इज। अब जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स होते हैं दोस्तों, वो आपके वीडियोज को देखते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको कमेंट करते हैं, आपको फॉलो करते हैं वो, ठीक है, भले ही वो 10 सब्सक्राइबर्स हो, 20 सब्सक्राइबर्स हो, या 100 हो, या 200 हो, ठीक है, जितना भी हो, आपके पास जेन्युइन सब्सक्राइबर्स रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जेन्युइन सब्सक्राइबर्स आपको क्यों चाहिए, ठीक है। अब पेड सब्सक्राइबर लेने से आपको क्या क्या मतलब नुकसान होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब पेड सब्सक्राइबर्स आप ले लेते हैं, मान के चलिए कि आपके पास 10 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है, और आपने पेड सब्सक्राइबर लेके 10,000 कर लिए अपने सब्सक्राइबर्स, तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब अपना वीडियो अपना अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, तो क्या होगा कि आप जब 10 सब्सक्राइबर्स थे तो आपका कितना व्यू जाता था, लगभग 5 व्यू जाता था, 7 व्यू जाता था, 20 व्यू जाता था, 10 व्यू जाता था, ऐसे व्यू जाता था। अब जब आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब जानते हैं कितना व्यू जाएगा, उतना ही व्यू जाएगा, एक व्यू दोस्तों नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से आप मान के चलिए अगर आपके पास 10 व्यू ज्यादा था तो हो सकता है 15 व्यू आ जाए। 10,000 सब्सक्राइबर्स लेने का आपका कोई फायदा नहीं होगा, 10,000 लोग आपको देखेंगे नहीं, जिन्होंने आपको जेन्युइन सब्सक्राइब किया होगा
जिसको आपका वीडियो पसंद आएगा सिर्फ वही बंदा आपके वीडियो को देखेगा और वही आपका पिछले वाला ही कंटिन्यू आपका जारी रहेगा। भले ही आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हो, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो, पेड सब्सक्राइबर्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट जितना वीडियो आपको पहले व्यूज आता था उतना ही व्यूज आएगा, 10 व्यूज, 5 व्यूज, 20 व्यूज, मैंने खुद देखा है दोस्तों, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारे मेल पे ऑफर आते हैं कि वो मुझे मतलब पेड व्यूज प्रोवाइड करते हैं, पेड सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड करते हैं, बट आई निगलेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मतलब सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कभी भी आप मतलब पेड सब्सक्राइबर्स मत बाय कीजिएगा। कभी भी ऐसा तरीका मत अपनाइएगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले, ठीक है। पब्लिक को चीट मत कर कीजिएगा। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आता रहता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।